जनपद पुलिस ने विभिन्न थानों की एक महिला समेत 9 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में बीते दिनों में जिन अपराधियों ने एक से ज्यादा अपराध किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन अपराधियों का हिस्ट्री सीट गैंगस्टर कुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जो कि पेशेवर अपराधी हैं, जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं। उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, जिससे वह भविष्य में अपराध ना कर सके, जिसके लिए थाना अध्यक्ष, हल्का प्रभारी, बिट कांस्टेबल को निर्देश दिया गया है कि कोई अपराधी जेल से छूटा है तो उसके ऊपर नजर रखें, जिससे वह दोबारा अपराध ना कर सके। जिसको देखते हुए 9 अभियुक्तों की हिस्ट्री सीट खोली गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रूअर ने कहा, देखिए निरंतर जो पुराने अपराधी हैं जिनके द्वारा विगत वर्षों में अपराध किए गए हैं, एक से अधिक अपराध किए गए हैं, उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के उपरांत उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, चाहे वो हिस्ट्री शीट खोलना हो, चाहे गैंगस्टर की कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, या अन्य तमाम कार्रवाइयां जो उनके ऊपर होनी है, ताकि जो पेशेवर अपराधी हैं जो बार बार अपराध कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और भविष्य में अपराध ना कर सके, इसके लिए हमारे सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। बीट कांस्टेबल से लेकर के बीट पुलिस ऑफिसर, हल्का प्रभारी, थाना अध्यक्ष और सभी जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो जेल से छूट रहे अपराधी उन पर भी नजर रखें और पूर्व में जो अपराध करते हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि दोबारा से पुराना अपराधी जो है वो अपराध ना कर सके। इसी क्रम में 9 लोगों की हिस्ट्री शीट कल इसमें खोली गई है, आने वाले दिनों में भी रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें 9 लोग हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है जो कि विगत कई सालों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और कई मुकदमे उसके पूर्व से दर्ज हैं, उसका भी रिकॉर्ड निकालकर हिस्ट्री शीट के अलावा अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी।